एक्साइटेड, डर भी लग रहा है बट सब चाहते हैं, सो आई एम ऑल्सो वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। ये देखिए आप, मैं दिखाता हूँ। So I'm going, guys. चलिए। भाई साहब मुझे क्यों बोला पहले जाने को, उनको लगा कोई भी गलत सोचेगा ना आपके लिए। अगर आप बच्चों को लेकर आओगे तो डेफिनेटली बड़ों के लिए भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे बुल राइडिंग है, बोटिंग है, ओब्वियसली बड़े भी इंजॉय कर सकते हैं। देन देयर इज साइकिलिंग रोप के ऊपर से, एंड देन देयर इज जिप लाइन। तो मैं अभी कुछ ट्राई करने वाला हूँ। तो ये देखो, ये है जिप लाइन। सो मैं जिप लाइन ट्राई करने वाला हूँ, एंड देन विल डू बोटिंग ऑल्सो। तो बच्चों के लिए भी, बच्चों के साथ साथ कुछ एंटरटेनमेंट डेफिनेटली आपको मिलेगा। अभी जिसे मैं बता रहा था, बच्चों को काफ़ी सारा एंटरटेन कराया, एंटरटेनमेंट दिया। अब हम थोड़ा खुद भी देखते हैं। दिस इज कॉल्ड जिप लाइन। ये जो वायर है, केबल है, केबल पूरी लंबी है। आई थिंक तो ये कम से कम 100 मीटर्स तो होगा, एटलीस्ट 100 मीटर्स के करीब मुझे लग रहा है। और अब मैं जाके यहाँ से जो है एक्सपीरियंस करने वाला हूँ जिप लाइन को। सो लेट्स गो एंड सी हाउ इट इज़। थोड़ा सा मुझे वो पैराग्लाइडिंग मैन काफ़ी वायरल हुआ था वो याद आ रहा है, बट प्रेशर थोड़ा बिल्ड हो रहा है, बट एवरीवन इज एक्साइटेड। डर भी लग रहा है बट सब चाहते हैं, सो आई एम ऑल्सो वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। ये देखिए आप, मैं दिखाता हूँ। सर चले गए, ये पूरा ये आगे बहुत ही लंबा एक केबल है ये। सो आई एम गोइंग गाइस। चलिए थैंक यू सो मच इमरान भाई और शिवा भाई जो उस साइड पे थे, बहुत विशाल भाई का भी थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा स्टाफ है जिपलाइन का और पूरी पार्क का, थैंक यू सो मच। आई हैड अ ग्रेट टाइम हियर सो फार। नितिश भाई भी बहुत अच्छा स्टाफ, जैसे इमरान, शिवा, नितिश, एवरी गाइस अमेजिंग। जिपलाइन का स्टाफ यहाँ पर बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू, वेलकम सर। भाई साहब मुझे क्यों बोला पहले जाने को, उनको लगा कि हम दो में से तेज है थोड़ा। सी यस, गुड चॉइस। पानी सब में ही आएगा। दिस गाय, बट दे आर बैलेंस्ड, थ्री पीपल, वी हैव किड्स। बहुत मजा आ रहा है बोटिंग का, और बहुत सारे लोग हैं लेकिन नंबर ऑफ बोट्स भी उतनी ज्यादा है। तो उससे क्या हो रहा है कि कोई रश नहीं, ज्यादा लोगों को वेट नहीं करना पड़ रहा। वी गॉट अवर टर्न इन 2 मिनट्स, सो दैट इज द बेस्ट पार्ट। ये देखिए अब काफी अच्छी जगह है और दिल्ली के बीच में। सो बच्चों के लिए एक और चीज़, बाउलिंग ओब्वियसली बड़ों की गेम है, बट बच्चे भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं और कर सकते हैं। थोड़ा हैवी होता है बॉल। खदीजा इज माशाल्लाह पिकिंग देम इजीली। खंसा को उठा के दो बाबा, हेल्प करो खंसा की। सी खंसा इज ट्राइंग। जाओ जाओ जाओ, वेरी गुड खदीजा। वेरी गुड। तो कैरम भी है यहाँ पर, मुझे अपने स्कूल के चैंपियन प्लेयर याद आ रहे हैं। टीटी भी खेलते हैं लोग, और आई एम नॉट ए गुड टीटी प्लेयर। एक दो बार मैंने ट्राई किया है, वेरी इंटरेस्टिंग गेम। ऑब्वियसली यू कैन एंजॉय दिस आल्सो, फैंटास्टिक। अब हम आर्चरी और बास्केटबॉल सेशन में थोड़ा सा आए हैं,
एंटरटेनमेंट के लिए। सो लेट्स सी कितना अच्छा मैं कर पाता हूँ। सो क्लोज, इतना सा मिस हुआ, इतना सा। बुल राइडिंग करने राइट, अभी देखते हैं कितने सेकंड्स में टिक पाऊंगा। सैयद ने चैलेंज किया दैट मैं ज्यादा टिक नहीं पाऊंगा, तो लेट अस सी। खदीजा आपने नहीं जाना वाय रुको नहीं घन से आपने नहीं जाना भाई बाबे जा रहा हूँ मैं तो मेरी ना मेरे तो पंडित है भाई बाबे जा रहा हूँ चल जाएगी ये टनल है, गुफा है पूरी, सो थोड़ा सा घबराहट भी हो सकती है। लेट्स सी, अंदर तो शूट होगा नहीं, बट सैयद यू मे ट्राई एज लॉन्ग एज यू कैन एंड देन बाहर निकल के आप मुझे देखोगे। आई एम गोइंग बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है, जैसे आप शायद फील कर भी पा रहे होंगे। इट्स अ लॉन्ग लॉन्ग यू कैन से काइंड ऑफ अ रूट, विच है रूट बहुत लंबा बनाया गया है, बहुत ही अच्छा है, और पेड़ों की मदद से खासकर इसको टनल्स और एक नेचुरल सी लुक दी देने की कोशिश की गई। सो एडवेंचरस एंड रियली नाइस। नाउ द नेक्स्ट वन, आपको यहाँ पे अच्छा खाना भी मिलेगा और थकावट भी होगी ऑब्वियसली, एंड देन यू नीड गुड फूड, तो आराम से आप खा भी सकते हो यहाँ पर। और बच्चे बड़ों के लिए सबसे अच्छी मुझे पार्क जो यहाँ पर लगी नॉर्थ दिल्ली में यही है। डू कम एंड एंजॉय।